नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। और जब हम बात करेंगे खबरों की तो आपको बताएंगे प्रधानमंत्री के दो अहम दौरों को लेकर। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में है, जहां पर जो पहली मेट्रो रेल जिसे हम सड़कों पर दौड़ते हुए देखते हैं, आज वो पानी के नीचे भी चलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने आंचल। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है उसका प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री बिहार जाएंगे, जहां कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, अगर उसको अलंकृत कर दिया जाए पुरस्कारों से तो क्या बात होगी। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो संगीत नाटक अकादमी के 2023 और 24 के पुरस्कार हैं वो वितरित करने वाली हैं। और इन तमाम लोगों जिनको पुरस्कार मिलेंगे उनका जो उनकी जो उत्कृष्टता है अपने क्षेत्र में उसे आज पुरस्कृत किया जाएगा। जी हाँ, साथ ही साथ बात होगी खेल, कारोबार और फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबरों की भी। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर 15,400 करोड़ रुपए की लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में होगी जनसभा। कोलकाता में देश की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का आज प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग हावड़ा मैदान को आईटी हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ेगा। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 94 प्रख्यात कलाकारों को साल 2022 और 23 के लिए प्रदान करेंगी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी करेंगी सम्मानित। लक्षद्वीप के मेनिकोय द्वीप में आज होगी नौसेना के नए बेस आईएनएस जटायु की तैनाती। तो वहीं कोच्चि में आईएनएस गरुड़ पर स्क्वाड्रन के रूप में कमीशन होगा एमएच 60आर सीहॉक मल्टी रेल हेलीकॉप्टर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। 3 दिन के दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं विदेश मंत्री। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष एकल में भारत के किदम्बी श्रीकांत और एच एस प्रणॉय उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु खेलेंगी पहले दौर का मैच। तो सुर्खियों के बाद अब शुरुआत करते हैं नया सवेरा में। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से। प्रधानमंत्री आज कोलकाता में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इसमें 15,400 करोड़ रुपए की कई संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी, चिंचवाड और निगड़ी के बीच चलने वाली पुणे मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान, एक्सप्लेनेड खंड, माजेरहाट मेट्रो खंड, आगरा मेट्रो खंड का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। आगरा मेट्रो खंड के उद्घाटन से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी। आरआरटीएस खंड से देश की राजधानी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता से केरल के कोच्चि मेट्रो के त्रिपुनिथुरा टर्मिनल का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। और वहीं आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है कोलकाता, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। देश की पहली यातायात सुरंग वाली हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन की नई मेट्रो लाइन जो है वो हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी। जी हाँ, ये नदी कोलकाता और हावड़ा शहर को इसके पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर अलग करती है और इस नई लाइन के हिस्से के रूप में हावड़ा मेट्रो स्टेशन को भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन होने की पहचान भी मिलेगी। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड की दूरी 4.8 किलोमीटर की है। ये पूर्वी पश्चिमी मेट्रो गलियारे का दूसरा खंड है। ये खंड हावड़ा मैदान को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के आईटी हब से जोड़ेगा। पूर्वी पश्चिमी मेट्रो की कुल दूरी 16.6 किलोमीटर की है। इस गलियारे में हुगली नदी के नीचे सुरंग भी शामिल है। नदी के नीचे करीब 1 मिनट का सफर होगा। मेट्रो ट्रेन नदी की सतह के नीचे लगभग 16 मीटर दौड़ेगी। मेट्रो अधिकारियों का ये कहना है कि प्रतिदिन 7 लाख से ज़्यादा यात्री इस सेवा का लाभ उठाएंगे। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने खुद पानी के नीचे बने सुरंग में सफर किया। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी एक्सप्लेनेड से लेकर हावड़ा मैदान के बीच में मेट्रो शुरू करने वाले हैं और आपको बता दें कि इस मेट्रो की खासियत ये है कि देश में पहली बार जो मेट्रो है हुगली नदी के नीचे से जा रही है, यानी कि ये पहली मेट्रो है जो नदी के नीचे से टनल बनाकर चली जा रही है। और ये जो आपको ब्लू जो निशान दिखाई दे रहा है ये हुगली जो नदी है उसके नीचे से जो ये मेट्रो ट्रेन है ये जा रही है। और ये एक तरीके से अद्भुत कह सकते हैं कि जो अभियांत्रिकी है उसका एक नमूना है। और ये पूरी की पूरी जो मेट्रो ट्रेन है ये इस समय हुगली नदी के नीचे से चल रही है। और इसका जो सबसे गहरा जो हिस्सा है वो करीब 42 मीटर नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे बनाने में कितनी बड़ी जो चुनौती है वो सामने आई होगी और कितनी कौशल के साथ इस जो मेट्रो है इसको बनाया गया है। और जहाँ जहाँ तक ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सारी की सारी जो मेट्रो की टनल है वो हुगली नदी के नीचे से इस समय चल रही है। और मेट्रो को अगर हम दिखाएं आपको तो जो मेट्रो है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें कि हावड़ा से जब आप एक्सप्लेनेड की तरफ आते हैं तो सामान्य रूप से जब आप बस का सफ़र करते हैं तो उसमें समय भी काफ़ी लगता है, लेकिन इस मेट्रो के बाद कुछ ही कह सकते हैं कि मिनटों के अंदर आप हावड़ा से कलकत्ता शहर के मध्य तक में पहुंच पाएंगे। और जहां तक स्टेशनों की अगर हम बात करें तो आप देखें कि ये एक्सप्लेनेड से ये मेट्रो ट्रेन चल रही है, इसके बाद ये महाकरण जो मेट्रो स्टेशन है वो आता है और महाकरण के बाद ही जो हुगली नदी है वो उसके नीचे से ये ट्रेन चलती है। इसके बाद हावड़ा मेट्रो है और हावड़ा मेट्रो मैदान तक ये जो मेट्रो ट्रेन है वो पहुंचती है। और इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि 6 कोच इस मेट्रो में लगाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं वो आसानी से इसमें सफ़र कर सकें। ये अद्भुत नमूना है हमारे इंजीनियर्स का जिन्होंने इतनी मेहनत से इस मेट्रो ट्रेन को बनाया। और ये अभी भी जो ब्लू हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये मेट्रो ट्रेन इस समय हुगली नदी के नीचे से निकल रही है। इसका किराया भी बहुत मिनिमम रखा गया है। आप हावड़ा मैदान से लेकर एक्सप्लेनेड तक मात्र 10 रुपये में इस सफ़र को इस मेट्रो से तय कर सकते हैं। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोलकाता। प्रधानमंत्री अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान 12/7 में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बंगाल की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो संदेश खाली मामले पर महिलाओं को न्याय दिलाएं। हम लोग उनसे चाहते हैं जो हम लोग नारी को उन्हें सम्मान मिले और उसकी सुरक्षा, नारी को सुरक्षा मिले। नारी दिवस से पहले हमारे राज्यों में हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं तो उसके तरफ से हमारे सब नारी लोगों को यही अर्जी है कि हमारा सब नारी को सुरक्षा दे और राज्यों में जो परिस्थिति चल रही है उससे हम सब लोगों को मुक्ति दे। हम चाहते हैं मोदी जी से यही विनती करते हैं जो वेस्ट बंगाल में महिला का जो असुरक्षित है इस बारे में वो कोई स्टेप ले और कुछ बताए ऐसे जो बंगाल में जो महिला लोग के लिए सुरक्षित रहे। इस बंगाल में जो नारी के ऊपर जो चर्चा हो रही है तो देखिए आने वाले सामने जो 33% जो आरक्षण मोदी जी ने कहा तो इसके दौरान नारी को उठना चाहिए। हम लोग प्रधानमंत्री जी से ऐसे ये आशा कर रहे हैं, ये राज्य में जो नारी सुरक्षा नहीं है वो नारी सुरक्षा हम लोग प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं, और नारी का सम्मान जो इस राज्य में नहीं है वो भी चाहते हैं, और संदेशखाली में जो घटना घटा है वो हम लोग दोबारा ये राज्य में नहीं चाहते हैं। नारी के लिए तो वो बहुत कुछ करते हैं और 33% उनने संरक्षण भी दी है, तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो नारी सुरक्षा के बारे में थोड़ा सा निश्चित करें, वो थोड़ा सा आश्वासन दे, यही हम चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आंचल देखा जाए तो ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सप्ताह भी चल रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और 12/7 में महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, उस समय महिलाओं को न्याय दिलाने की बात जो है, महिलाएं जो अपनी कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रही हैं, वो आप बीती भी सुनेंगे। और हमारे संवाददाता भी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं नीरज सिंह कोलकाता से। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पश्चिम बंगाल का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो कोलकाता वासियों को अंडर वाटर मेट्रो परियोजना की सौगात मिलने वाली है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री 12/7 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और महिलाओं की आवाज़ सुनेंगे। देखिए बिल्कुल भावना, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है और आप देख रहे हैं कि 15,400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। इसमें आपने रिपोर्ट में भी देखा था जो मेट्रो ट्रेन है और अद्भुत वो मेट्रो ट्रेन है। आप देख रहे हैं कि देश की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन है जो किसी नदी के नीचे टनल बनाकर जिसको गुजारा गया है। और आप देख सकते हैं कि अगर आप हावड़ा से जब एक्सप्लेनेड की तरफ आते हैं तो आम दिनों में जब ट्रैफिक रहता है तो कम से कम 1 घंटे का जो टाइम है वो लोगों को लगता है, और उसके अलावा काफी जो जाम है उससे रूबरू होना पड़ता है। लेकिन आप कुछ ही मिनट के अंदर आप हावड़ा से और कोलकाता के बीच में अपना जो सफर है वो पूरा कर लेंगे और मात्र 10 रुपए का आपको किराया देना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप हावड़ा जो स्टेशन है वो देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, और इस लिहाज से भी हम देखें तो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है ये मेट्रो ट्रेन। और बड़े लंबे समय से जो लोग हैं उनकी मांग थी कि ये मेट्रो ट्रेन जल्द से जल्द बने ताकि उनकी जो परेशानियां हैं वो कम हो सके। इसके अलावा और भी मेट्रो प्रोजेक्ट हैं जिनका हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री आज शुरुआत करेंगे, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। 12/7 में समय मैं मौजूद हूं और प्रधानमंत्री का एक विशाल जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे, और इस विशाल जनसभा में खासतौर से महिला सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगी। और नारी शक्ति बंधन समारोह हम इसे कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आएंगी। हमें ये भी पता लगा है कि जो संदेश खाली है वहां से भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा को लेकर या यहाँ की जो महिलाएं उनकी जो स्थिति इस समय है, खासतौर से महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी यहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उसको लेकर क्या बोलते हैं उसको लेकर भी यहाँ की जो महिलाएं वो काफी उत्साहित है। तो आज का दिन और खासतौर से यहाँ पर जो आज की जो रैली है वो काफी महत्वपूर्ण है और महिला दृष्टि से हम देखें पश्चिम बंगाल से। आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा इस दिन को हम मानते हैं कि ये राज को समर्पित होगा। मेरा सवाल लेकिन नीरज जी है कि जिस तरह से कई योजनाओं को अभी कुछ दिन पहले भी पश्चिम बंगाल को समर्पित किया गया, लेकिन वहाँ एक बहुत ही विहंगम दृश्य ये था कि प्रधानमंत्री को मिलने के लिए बहुत से लोग जिस तरह से हमेशा पहुँचते हैं, उनकी आंखों में एक विश्वास था और एक आस थी कि बहुत कुछ जो ठीक होना है पश्चिम बंगाल के लिए उसका मादा प्रधानमंत्री में है। और यही आवाज़ हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए देखी, जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। आप वहां पर घूमे हैं, महिलाओं की आप बीती सुनी है, कितनी ज़्यादा आशावादी हैं वो आज के इस दौरे को लेकर? देखिए बिल्कुल उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो निश्चित तौर पर लागू होती है। और आपने देखा भी होगा हमारी रिपोर्ट में तमाम जो महिलाएं हैं और खासतौर से यहाँ के जो पुरुष हैं वो ये कहते हैं कि राज्य का जो कानूनी व्यवस्था है वो बुरी तरीके से चरमाई हुई है, महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वो चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों में जो विकास हो रहा है उसी तरह का जो विकास है वो पश्चिम बंगाल में भी हो। पश्चिम बंगाल को विकास की दरकार है, और आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई 1000 करोड़ की परियोजनाएं यहाँ पर शुरू की है ताकि जो आम लोग हैं उनको जो सुविधा है वो मिल सके। और यही एक उम्मीद है प्रधानमंत्री से यहाँ की महिलाओं को कि वो चाहती है कि जो असुरक्षा जो असुरक्षा के कारण यहाँ की जो महिलाएं परेशान है, जो यहाँ पर जो अपराधी हैं उनको पुलिस और प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है, उससे कम से कम उनको मुक्ति मिले। और प्रधानमंत्री कुछ ऐसा आश्वासन दे कि भविष्य में जो संदेश खाली जैसी घटना है वो इस राज्य में दोबारा ना हो। ठीक, नीरज, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ आर्थिक विकास की बात होगी तो दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण की भी आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुनेंगे। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंपलीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI देश का फैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल के बाद बिहार दौरे की, जहां प्रधानमंत्री आज बेतिया में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। जो सड़क, रेल, तेल, गैस से जुड़ी जो ये तमाम परियोजनाएं हैं, इनसे आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारम्भ और शिलान्यास करेंगे। पीएम 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। पीएम मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सबसे बड़ी खुशी यहाँ के किसानों की है, क्योंकि 350 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट करके किसानों को बहुत बड़े सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। यह पूरा गन्ना उत्पादन का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और अब सुगौली और लौरिया को मक्के से एथेनॉल के लिए जो 132 करोड़ की फैक्ट्री लग रही है, वह सैकड़ों करोड़ का लाभ हमारे किसानों को देगा। पीएम कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखेंगे। नरकटियागंज से गौनाहा तक की जो आमान परिवर्तन था, उस परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और 2 नई ट्रेनों का भी शुभारंभ करेंगे। एक ट्रेन चलेगी गौनाहा से नरकटियागंज और दूसरी ट्रेन चलेगी रक्सौल से जोगबनी, जो कि चंपारण को कोसी और मिथिलांचल से और सीमांचल से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में महिलाएं और युवा बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदी, लखपति दीदी को सामने पाकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ चंपारण से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर बेतिया की विधायक और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी से हमारे संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत की है। रेणु देवी का कहना है कि डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत की है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का प्रणाम हम लोगों ने घर घर तक पहुँचाया है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभा में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बेतिया में मौजूद है, ये पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर है और यहाँ की जो सदर विधायक हैं रेणु देवी, वो राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5 बार की विधायक हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री आपके कंस्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं, कितना बड़ा उत्साह है, कितनी बड़ी खुशी का माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम चंपारण में हमेशा ही खुशी का माहौल रहता है और हम कहते हैं कि चंपारण जो है वो मोदी का चंपारण है और मोदी चंपारण के हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि चंपारण से जब रिजल्ट होता है तो पहला खाता यहीं से खुलता है। लोग कहते हैं कि जब उत्तर से खाता खुलता है तो पूरा का पूरा खाता हम ही लोगों का खुलता है। और दोनों हम अब तो 2 चंपारण हो गए, एक ही चंपारण अगर रहता तब भी, और दोनों चंपारण रहता है तो सबसे ज़्यादा हम लोग कम से कम 85% सीट हम लोग जीत के जाते हैं। हमारे मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लगता है कि बच्चा बच्चा में उत्साह है। प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात करती रही है पहले से, विकास का एजेंडा जो है आपके टॉप एजेंडे में रहता है। अब तेजस्वी यादव भी आरजेडी का फुल फॉर्म जो है राइट, जॉब और डेवलपमेंट बता रहे हैं। राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी क्या प्रतिक्रिया देंगी इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको तो इसके बारे में चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होता तो अगर इतना शॉर्ट नोटिस में हम लोगों का विधानसभा चला है और किसी को अगर बिहार की चिंता होती, बिहार की विकास की चिंता होती तो निश्चित रूप से वो बिहार विधानसभा में उपस्थित होता। ये अपने जो है रैली करने के लिए या और मटर गश्ती करने के लिए वो हर जगह नहीं निकलता। और कोई कहता है कि मैं काम करता हूँ तो ये इतिहास है कि जब भी काम हुआ है सब घोटालों का ही काम हुआ है। आज इनके भी राज्य में घोटाले हुए हैं। परिवारवाद पर हमला करते हैं और लालू प्रसाद जो है वो प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, जो आदमी बड़बोलापन करे, जिसको पता ही नहीं है कि परिवार क्या है, परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि बेटा बेटी साला साली, ये नहीं होता है। आप देखे होंगे हमारे एक्स पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि परिवार का मतलब है संपूर्ण। ये भारत की संस्कृति में हम वैष्णव कुटुंब की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व की बात करते हैं कि विश्व हमारा परिवार है और हम तो सारे मोदी के परिवार हैं। हम लोग तो सारे मोदी के परिवार है, पूरा भारत मोदी का 140 करोड़ जब परिवार जन कहते हैं तो हम सारे 140 करोड़ लोग जो हैं वो मोदी के परिवार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। रेणु देवी जो बिहार की एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि परिवार जो है वो संपूर्ण परिवार मोदी का परिवार है और लालू प्रसाद चाहे जितना भी अपने परिवार की बात करें वो बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब कल बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे तो किस तरीके से वो फिर एक बार अटैकिंग मोड में नज़र आते हैं। इस पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी रहेंगी। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, बेतिया, पश्चिम चंपारण। और बेतिया से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, सुप्रभात आपको। तो आज अगर हम देखें तो बिहार के बेतिया के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जब प्रधानमंत्री लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़ी तमाम योजनाएं बिहार को देने वाले हैं। जो कभी हम ये समझते हैं कि बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो आर्थिक प्रगति से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा चल आपने कि बिहार को कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था और लोग कहते थे कि सिर्फ यहाँ पर बाढ़ है, फ्लड की चर्चा होती थी देश भर में। और आपने देखा कि पिछले दिनों 2 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय पहुँचे थे तो बेगूसराय बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पर 5 बड़ी इंडस्ट्री है। फर्टिलाइजर है, इंडियन ऑयल है, एनटीपीसी है, सुधा डेयरी है, पेप्सी का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो वहाँ लग पाया है और छोटे बड़े 100 से ज़्यादा उद्योग वहाँ है। कार्बन फैक्ट्रियों की एक बड़ी श्रृंखला है। तो ऐसे में ये कहा जाना कि बिहार बीमारू प्रदेश है, ये अब उचित दिखाई नहीं पड़ता है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से पहले औरंगाबाद, फिर बेगूसराय, मगध क्षेत्र में, फिर मिथिलांचल में और अब वो तिरहुत प्रमंडल में यहाँ पर मौजूद होंगे जो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ सीमा है। और बेतिया के बाद वाल्मीकि नगर और वाल्मीकि नगर के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे में जिन परियोजनाओं का तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेतिया के लोगों को देने वाले हैं, उससे न सिर्फ बेतिया को फ़ायदा होगा बल्कि आसपास के 8-9 ज़िलों को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, बेतिया, रक्सौल, तमाम जो नेपाल से जुड़े हुए इलाके हैं वहाँ तक के लोगों को एक बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो ये कि जो बॉटलिंग प्लांट शुरू किया जा रहा है, 109 किलोमीटर लंबा एलपीजी गैस पाइपलाइन शुरू किया जा रहा है, जिससे सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि आसपास के 9-10 जिलों के लोगों को फ़ायदा होगा। और पड़ोसी देश नेपाल के जो हमारे मेहमान हैं, नेपाल के जो लोग हैं, उन तक भी हम आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगे, यानी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे एलपीजी गैस को। तो यह कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के रिश्तों को भी मजबूत करेगा, क्योंकि भारत का नेपाल के साथ हमेशा से एक ऐसा रिश्ता रहा है जो रिश्ता अयोध्या और मिथिला की दूरियों को भी कम करता है। अवध और मिथिला जो है वो श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जहाँ नजदीक आए हैं, वहीं इन परियोजनाओं के तोहफे के साथ भी जनकपुर और नेपाल के जो लोग हैं वो अपने को महफूज महसूस करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से नेपाल को अपना मित्र राष्ट्र बताते हैं और इन परियोजनाओं के जरिए नेपाल को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल बेटी रोटी का रिश्ता रहा है नेपाल का, राजेश, और इस लिहाज से आज का ये दिन किस तरह से तमाम जो आसपास के इलाके हैं उनको भी कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने आंचल। राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारियों के लिए। पश्चिम बंगाल के बाद आज प्रधानमंत्री बिहार जाने वाले हैं, जहां वे कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। यहां नया सवेरा में आप वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नया सवेरा पर। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैका जी, सब जानते हैं जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मेरे पास विकास स्वागत है और आइए आगे बढ़ने से पहले डालते एक नजर सीधा सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। 15,400 करोड़ रुपए लागत की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में होगी जनसभा। कोलकाता में देश की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा आज प्रधानमंत्री करेंगे शुरू। करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग हावड़ा मैदान को IT हब सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ेगा। बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 94 प्रख्यात कलाकारों को 2022 और 23 के लिए प्रदान करेंगी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी करेंगी सम्मानित। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में आज होगी नौसेना के नए बेस आईएनएस जटायु की तैनाती, तो वहीं कोची में आईएनएस गरुड़ पर स्क्वाड्रन के रूप में कमीशन होगा एमएच 60आर सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक में होंगे शामिल। 3 दिन की दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर हैं विदेश मंत्री। और खेल की खबरों में, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष एकल में भारत के किदम्बी श्रीकांत और एच एस प्रणॉय उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु खेलेंगी पहले दौर का मैच। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज विभिन्न अखबारों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी मुख्य सुर्खियां? और एक चीज़ अपने दर्शकों को बताएं कि संध्या हमेशा न्यूज रूम से जुड़ती हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में है, तो ये भी एक नई शुरुआत है आज नया सवेरा में। जी संध्या, ओवर टू यू। जी शुक्रिया आंचल और भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत के माध्यम से हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया। हरिभूमि ने भी इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया और बताया कि किस तरह से ये अंडर वाटर मेट्रो जो है वो गहरे पानी में चलेगी और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा एक और खबर आज दैनिक जागरण अखबार में हमें देखने को मिली है, जो तमाम आंकड़ों के साथ प्रकाशित की गई और बताया गया है कि घोटालों की कालिक से बाहर निकलकर किस तरह से देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है और ऊर्जा क्षेत्र से रोशन हो रहा है। तो आज ये तमाम आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो नई नीतियां हैं या पुरानी नीतियों में जो संशोधन करके ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, उससे देश किस तरह से रोशन हो रहा है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें जो आज सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है, और इस खबर में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट किया है कि बंगाल में किसी भी तरह की लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय प्रशासन को भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो देश के चुनाव होने वाले हैं उसमें स्वतंत्र, निष्पक्षता और हिंसा मुक्त चुनाव पर खास फोकस रखा जाए। इसके अलावा पंजाब केसरी अखबार ने आज पहले पेज पर अपनी खबर को लेते हुए लिखा है कि ममता सरकार को झटका। जी हां, आपको बता दें कि संदेश खाली हमले के मामले में सीबीआई अब जांच करेगी और शाहजहां शेख को जांच एजेंसी के हवाले करने के आदेश दिए जा चुके हैं। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं। यह है स्वदेश से जुड़ी हुई खबर, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने लिया है अपने स्वदेशी कॉलम में और बताया है कि पैराशूट से 30,000 फीट की ऊंचाई से कूद सकेंगे जवान। कानपुर में बने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का इंडियन एयरफोर्स ने सफल परीक्षण कर लिया है और ओपीएफ में जल्द इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो आज के अखबारों की यह है प्रमुख और अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम खबरों को हम तक समेट कर लाने के लिए। और जिस तरह से जब हम स्वदेशी खबर की बात करते हैं कि किस तरह से अब जो पैराशूट है उनका निर्माण भारत में अच्छे स्तर पर हो पाएगा, तो एक सकारात्मक खबर आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई। बिल्कुल आंचल, और यहीं भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आपको एक अहम खबर के बारे में बताएंगे, वो है भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई, जहाँ INS जटायु की आज स्थापना होने वाली है। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। So cigar, the automobile, the policy bazaar, व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया आपकी पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रूपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही है सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.जनौषधि.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। जिस तरह से भावना ने कहा था कि आज भारतीय नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि आज लक्षद्वीप में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनी कॉय को आईएनएस जटायु के रूप में तैनात किया जाएगा। ये आयोजन रणनीतिक रूप से बेहद मायने रखता है। जटायु की तैनाती लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें द्वीपों में भारतीय नौसेना के परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौसेना डिटैचमेंट मिनी कॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ की परिचालन कमान के तहत की गई। मिनी कॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों SLOC तक फैला हुआ है। ये बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा। पश्चिमी अरब सागर में एंटी पायरेसी और एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन की दिशा में भारतीय नौसेना की मदद करेगा। कावरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है। तो जहां एक तरफ आईएनएस जटायु की तैनाती होगी तो दूसरी तरफ एमएच 60आर सीहॉक, जिसे आज कोच्चि में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। सीहॉक स्क्वाड्रन को आईएनएस 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। सीहॉक के शामिल होने से हमारी नौसेना का दमखम और बढ़ेगा। हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी जैसे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा, नौसेना की परिचालन पहुंच का विस्तार करेगा। तो भारतीय नौसेना के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। न्यूज रूम से ही जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी ननिता डागर। ननिता, सुप्रभात आपको। सबसे पहले तो जटायु के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से अगर हम बात करें रामायण की, तो माँ सीता को बचाने के लिए जिस तरह से जटायु ने अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया था, ये आईएनएस का जटायु किस तरह से सीमा प्रहरी बनकर रक्षा करने वाला है देश की और आत्मनिर्भर भारत के इस पूरे अध्याय में एक बहुत अहम कड़ी। जी शुक्रिया आंचल। आईएनएस जटायु जो है वो इंडियन नेवी की रीच को बढ़ाएगा, यानी कि लैंड से कितनी हज़ारों मील दूर हमारी इंडियन नेवी ऑपरेट कर सकती है, जिसे ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है, उसको बढ़ाएगा। अभी आपने पिछले दिनों में देखा दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारी आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस शारदा जैसी युद्धपोत जो थे वो गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ से लेकर पूरे अरब की खाड़ी में उन्होंने एंटी पायरेसी मिशंस किए हैं। तो उनके लिए एक बेस, एक आउटपोस्ट जो है वो देश की वो स्थापित हो रही है। हालांकि ये छोटी सी एक डिटैचमेंट थी मिनी कॉय, लेकिन इसे अब बड़ा डिटैचमेंट के रूप में तैयार किया जा रहा है। आप जानती हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन है, उनका इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे सागर के नाम से भी जाना जाता है। और अभी दिसंबर में और जनवरी में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने आइलैंड्स को डेवलप करें, अपने कोस्टल रीजन्स को डेवलप करें। तो उस ज़रिए से ये जटायु जो है ये भारत की आउटपोस्ट है, जैसे कि ईस्ट बे ऑफ बंगाल में यानी कि भारत के ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो है, उसी तरह लक्षद्वीप हमारे वेस्ट में यानी कि पश्चिम में है। तो आज हमारे जो नेवी चीफ हैं एडमिरल हरि कुमार, इसका जो शुभारंभ है या कमीशनिंग है उसको वो फोरनून में करीब 10-11 बजे का समय है वो कर देंगे। और उसके बाद शाम को जो है वो MH-60R सीहॉक चॉपर्स को उनकी स्क्वाड्रन रेज की जाएगी। आंचल जी, साथ ही साथ नंदिता, जहां INS जटायु की तैनाती होगी वहीं कोची के लिए भी बड़ा दिन होगा, जहां 60R सीहॉक्स जो है उसकी भी तैनाती की जाएगी। अगर भारतीय नौसेना के तरीके से देखा जाए तो कितनी क्षमता को बढ़ाएगा, हिंद महासागर को कितनी मजबूती प्रदान करेगा। आपने सही बोला भावना, क्योंकि आपने देखा होगा हॉलीवुड की फिल्मों में एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और उसी तरह से उसका ये मेरीन वर्जन है सी हॉक हेलीकॉप्टर। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में और सी हॉक में ये जो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं ये फ्रिगेट्स पे, क्रूजर्स पे और एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी तैनात किए जाएंगे। इनसे क्या होगा, इनके फोल्डेबल ब्लेड्स हैं, तो इनके रोटरी विंग्स और फोल्डेबल ब्लेड्स ये फोल्ड हो सकते हैं और इन्हें हैंगर में रखा जा सकता है। तो छोटी शिप्स में भी ये, छोटी वॉरशिप्स में भी आ जाएंगे। और आपने देखा कि इनके जो रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, यानी कि ये सर्च एंड रेस्क्यू भी कर पाएगा, ये किसी और इवन प्राइवेट मर्चेंट वेसल में कोई किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो मेडिकल इवैक्यूएशन, और लेकिन दुश्मन के खिलाफ ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी कि दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ निकालकर ये उनको टारगेट कर सकता है, और उनकी जो सरफेस वेसल्स हैं, सरफेस प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी टारगेट कर सकता है। तो एक तरह से ये भारतीय नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को या उनकी प्रिपेयर्डनेस को बहुत चौगुना बढ़ाएगा, क्योंकि और ये हमारे पुराने जो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स थे उनको धीरे धीरे रिप्लेस करता जा रहा है। 2021 में हमारे पास 2 सीहॉक हेलीकॉप्टर्स आए थे, और उसके बाद अभी पिछले महीने 6 और आए हैं, तो 8 हेलीकॉप्टर से मिलकर ये INAS 334 जो है वो रेज किया जा रहा है कुछ में। आपने जिस तरह से बताया, मुझे DD नेशनल का सीहॉक्स याद आ रहा है, जिस तरह से वो हिट रहा था। हम मानते हैं कि भारतीय क्षमताओं को बढ़ाने में ये सीहॉक भी हिट साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सुपर हिट होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर हिट होगा। इतने बेहतरीन तरीके से हमें जीवंत समझाने के लिए कि आखिर ये दोनों किस तरह से काम करके भारत की जो रक्षा क्षमता है उसे चौगुना बढ़ाएंगे। जी, साथ ही साथ आंचल, अगर समुद्री डकैती की बात की जाए तो उससे भी बढ़ती जो चुनौतियां हैं उसको भी निपटान करने के लिए ये जो INS जटायु की तैनाती की गई है अपने आप में भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाने वाला है। बिल्कुल, आइए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां दुमका पुलिस ने हाल ही में जो विदेशी महिला पर्यटक है उसके साथ गैंगरेप मामले में 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने वारदात के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस पूरे मामले की बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। हम लोगों को मिली, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा। रात्रि 1-1:30 बजे हम लोग ने उन लोगों से संपर्क किया, सारी बातों को उनसे सुना समझा। उसके बाद घटनास्थल पर गया, वहाँ का मुआयना निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात टीम बनाया, टीम के बाद लगातार छापामारी किया, जिसके फलस्वरूप दूसरे दिन ही 2 तारीख को ही हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और काफ़ी लगातार छापामारी अलग अलग टीम बनाकर हम लोगों ने करता रहा, और फाइनली उन्होंने अपनी पुनर्बयान दिया, उसमें और भी बातें बताई, और लगभग वो अभियुक्तों की कन्फेशन और उनके द्वारा बताए गए बातों से 8 लोगों की पुष्टि हुई। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित कई वेबसाइट्स की सर्विस अब बहाल हो चुकी है। कल रात करीब 1 घंटे के लिए ये वेबसाइट क्रैश हो गए थे, जिससे यूजर्स परेशान रहे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इस पर एलन मस्क ने मेटा पर तंज कसा और कहा कि हमारे सर्वर तो काम कर रहे हैं। मस्क ने X के जरिए ये बात कही है। दरअसल कल मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स ऐप्स डाउनलोड करने, सर्च को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे। निराश होकर यूजर्स ने अपनी बातें X पर शेयर करी। जिसके बाद एक्स के मालिक सीईओ एलन मस्क को मौका मिल गया और उन्होंने मेटा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप यह पोस्ट पढ़ रहे हैं तो इसका कारण यह है कि हमारे सर्वर काम कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 3 लाख से अधिक फेसबुक आउटेज और इंस्टाग्राम के लिए 47,000 से अधिक आउटेज की रिपोर्ट दर्ज की गई है। और अब खबरें कारोबार जगत से जुड़ी हुई, लेकिन फटाफट अंदाज में। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने आंतरिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के नियमों में संशोधन किए हैं। ये संशोधन ऐसे समय में हुए हैं जब देश में एफडीआई आने की गति सुस्त पड़ गई है। गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप्स को अस्थायी रूप से बहाल करने और यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुआ है आईटी मंत्रालय। ये फैसला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रभावित ऐप स्टार्टअप के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लिया गया। मर्सिडीज बेंज ने उम्मीद जताई है कि भारत अगले 3 साल में उसके टॉप 3 विदेशी बाजारों में से शुमार होगा। देश में लग्जरी कारों की लगातार बढ़ रही है मांग। बीएसई अपने संयुक्त उद्यम एशिया इंडेक्स में S&P डाउ जोन्स इंडाइसिस की पूरी 50% हिस्सेदारी खरीद सकता है। कदम मौजूदा संयुक्त उद्यम को लेकर दोनों एक्सचेंज के बीच विवाद के बाद देखने को मिल रहा है। अदानी पावर ने घोषणा की है कि लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण के लिए उसकी समाधान योजना को ऋणदाताओं ने मंजूरी दे दी है और इसे इस बारे में आशय पत्र प्राप्त हुआ है। अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से उतारे गए बॉन्ड को विदेशी निवेशकों से करीब 7 गुना ज्यादा आवेदन मिले। आवेदन करने वाले विदेशी निवेशकों में जुपिटर, स्कॉडर्स, पिमको, मेटालाइफ समेत बड़े निवेशक शामिल। देश के 67वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 2023-2024 को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इस बॉन्ड में खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैप में फटाफट अंदाज में। पेरिस में खेले जा रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। प्रतियोगिता में पुरुष एकल में भारत के किदम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणॉय कोर्ट पर उतरेंगे। युवा शटलर लक्ष्य सेन पहले दौर में जीतकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। वहीं भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में पहले दौर के मैच में मैदान पर होंगी। सिंधु का सामना कनाडा की मिशेल ली से है, जबकि पुरुष सिंगल मैच में सात्विक साईराज, वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत करेगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। खेल मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में पीसीआई के निलंबन को हटाने की बात कही है। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब तक का जो उसका सफर है वो बेहद शानदार रहा है। और खेल जगत के बाद अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। आदा शर्मा की अगली फिल्म बस्तदर नफल स्टोरी का ट्रेलर हुआ रिलीज। सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित फिल्म 15 मार्च को सिनेमाघरों में देखी जा सकती। चर्चित अभिनेता राणा दुगुबाती ने फिल्म वैटियन की शूटिंग शुरू कर दी है। दुगुबाती ने एक पोस्ट के जरिए अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी है। फिल्म वैटियन में रजनीकांत मुख्य किरदार में नजर आएंगे। रणदीप हुड्डा अभिनीत फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर हुआ जारी। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जिंदगी पर आधारित ये फिल्म 22 मार्च को देशभर के सिनेमाघरों में देखी जा सकती। सारा अली खान और पंकज त्रिपाठी की आगामी फिल्म मर्डर मुबारक का ट्रेलर जारी हो गया है। कॉमेडी से भरपूर इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को 15 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायण दिनों सुर्खियों में। रिपोर्ट्स की माने तो अभिनेत्री इंदिरा कृष्ण इस फिल्म में कौशल्या माता की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। अजय देवगन ने अपनी आगामी फिल्म शैतान का नया पोस्टर साझा किया है। वर्ष 1952 और 1962 के बीच भारतीय फुटबॉल के स्वर्णिम युग पर आधारित यह फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। तब्बू और प्रतीश सेनन स्टारर फिल्म क्रू का पहला गाना नैना हुआ रिलीज। इस गाने के लिए दिलजीत दोसांझ और मशहूर रैपर बादशाह ने दी अपनी आवाज़। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम। विक्षोभ के कारण उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में बर्फबारी जारी है। वहीं आज और कल जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में और साथ ही साथ उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार। दिल्ली सहित आसपास के इलाकों में आज भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल से लेकर समूचे पूर्वोत्तर में अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना। साथ ही इन इलाकों में तेज ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया गया है। देखते हैं अब आपके राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। तो नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़ दिए जाते हैं ब्राज़ील के रियो कार्निवल में यानो मामी की शानदार पेशकश के साथ। बिल्कुल, यानो मामी यहाँ की जनजातीय आबादी है जो वेनेजुएला और ब्राज़ील की सीमा पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे